आपके बगल ही फूलपुर फर्टिलाइजर लगा है, जिससे आज पूरे देश में ऐसे कई फर्टिलाइजर लगे हैं जिससे लोगों किसानों को पूरी तरह से गल्ला अफराद हो गया, जिससे लोगों का पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो गया, सभी का पेट भरने लगा। समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के दम पर सरकार बनाएगी। हम पहले सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी, सिलेंडर ब्लैक होता था, आज सिलेंडर की उपलब्धता है। सबसे पहले हमारा जो मिशन होगा यह शिक्षा व्यवस्था और यह जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जब से नमस्कार जेएमटी टॉक शो के खास कार्यक्रम आपका सांसद कौन में है आपका स्वागत है। आज हम फूलपुर लोकसभा के सुराव विधानसभा में हैं और हमारे साथ सुराव से जो है तमाम पार्टियों के गेस्ट भी हैं और सुराव की जनता है हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से परिचय करा देता हूं। आप हैं विधानसभा प्रभारी मनोज पासी जी कांग्रेस से, और आप हैं ओम प्रकाश यादव जी समाजवादी पार्टी से, और आप हैं सुधीर मौर्य पूर्व ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से। एक बार फिर फूलपुर लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का पोडियम खाली है, आएंगे तो फिर उनको जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। लोकसभा 2024 आने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, क्या रहेंगे मुद्दे, क्या है जनता के सवाल और क्या होंगे विकल्प, इस पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस नेता मनोज पासी से। मनोज जी आप ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हमको मौका मिला है, यहाँ पर बैठे सभी दर्शक को और देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सन 2024 है, यहाँ एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो किसानों की बात करता हो, जो मजदूरों की बात करता हो, जो नौजवानों की बात करता हो, जो महिलाओं की बात करता हो, जो ठेला खुमचा लगा रहे सभी भाइयों की बात करता हो, मोहब्बत की बात। कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे 2024 चुनाव में? कांग्रेस के जो मुद्दा है उनका जो मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी जी नहीं पूरा कर पाए, समाजवादी पार्टी ने तो ओम प्रकाश जी बताएं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जो है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी जनता के हित में काम करने के लिए, बेरोजगारी, किसानों के हित में, किसान के लिए, नौजवान साथियों के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, तमाम सारी ऐसी दिक्कतें जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया है वो समाजवादी पार्टी जो है पूरा करके दिखाएगी। चलिए अब भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी फायरबैंड नेता सुधीर मौर्य से पूछेंगे। अभी विपक्ष का कहना है बेरोजगारी, महंगाई और औरतों की अस्मिता पर ये मुद्दा बनेगा, भाजपा इसको पूरा नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव किन मुद्दे पर लड़ेगी? सबसे पहले मनोज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आपने सोरा विधानसभा में आकर के हमारा सांसद कौन का कार्यक्रम का आपने आगाज किया, उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। 2014 में हमारी सरकार बनी और 2014 के 10 साल पहले मैं कांग्रेस का प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, इन्होंने किसान और बेरोजगारी की बात की। देश मुझे समय दीजिएगा क्योंकि मैं सत्ता पक्ष बिल्कुल बिल्कुल मुझे जिन लोगों को जवाब देना पड़ेगा मैं कांग्रेस का जवाब देता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से यह कहा था कि मैं इस देश की गरीबी और बदहाली को दूर करूंगा, यह उनका पहला नारा। लेकिन ये नारा तब तक चलता रहा जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन देश की गरीबी उन्होंने नहीं दूर की। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी, मैं तो लंबी फेरिस्त हो जाएगी, दो मिनट में मैं इनके इनके पूरा चिट्ठा खोल दूंगा, मुझे दो मिनट में इनका चिट्ठा पूरा कांग्रेस का खोल दूंगा। सर आप 2024 के मुद्दे बताइए। मैं 2024 उसी में आपके समय है, किसानों का किसानों की आय दूनी होने की बात प्रधानमंत्री ने कहा था, 9 साल बीत गया अभी तक तो हुआ नहीं। हमने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कहा था, इतना साल बीत गया अभी 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिला नहीं। काला धन लाकर 15 लाख रुपए देने की बात कहा था, आप उधर मत जाके 2014 से इधर के वायदों के बारे में बताइए कुछ पूरा हुआ? हम जनता को ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या किया तो हम अपनी उपलब्धि कितनी बताएंगे, समझ में नहीं आएगा। अच्छा राजी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की, उन्होंने भी कहा देश की गरीबी और बेरोजगारी दूर करूंगा, तो जो आता है। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते उन्होंने भी यही कहा,
कि हम देश की गरीबी बढ़ा ली, बेरोजगारी दूर करूं, किसानों की समस्या को समाधान करूंगा, नहीं हुआ, नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया। इनकी किसान के मजदूर की देश की जनता की बढ़ा ली गरीबी नहीं दूर हुई, लेकिन इनकी सारी गरीबी, इनके दामाद तक की गरीबी दूर हो गई इस कांग्रेस की गवर्नमेंट में। चलिए मैं कांग्रेस से जवाब ले लेता हूँ। नेताजी बताइए, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अपनी गरीबी दूर की, जनता गरीबी नहीं दूर की। मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ पर कोई चीज फसल नहीं हो रही थी, धान गेहूं नहीं हो रहा था, तब इंदिरा जी ने एक ऐसा योजना बनाया जो यहाँ पर हरित क्रांति लाई, और आपके बगल ही फूलपुर फर्टिलाइजर लगा है, जिससे आज पूरे देश में ऐसे कई फर्टिलाइजर लगे हैं जिससे लोगों, किसानों को पूरी तरह से गल्ला भरा हो गया, जिससे लोगों का पूरा हिंदुस्तान हरा भरा हो गया, सभी का पेट भरने लगा। हिंदुस्तान हरा भरा हो गया। सपा से जानकारी ले लूं, ये बताइए सपा लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रही है? सरकार तो जो है कैसे बनाएगी, उसमें तो 272 सीटें की जरूरत होती है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के दम पर सरकार बनाएगी। इस बार 2024 में गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। चलिए हम जनता से भी बात कर लेते हैं। मैं आ रहा हूँ सर, आपका नाम बता दीजिए। मैं संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए कि 2024 में आप युवा है क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सर यही रहेगा, किसानी, बेरोजगारी और महंगाई। तो क्या ये ज्यादा है, कम हुई, क्या आप मानते हैं? महंगाई ज्यादा हुई है। महंगाई ज्यादा हुई है। उन्होंने वादा किया था कि गैस सिलेंडर फ्री देकर, आज 1100-1200 में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, वादा अपना पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ये भाजपा के नेता से जवाब ले लेते हैं। बताइए सुधीर जी, गैस 1200 मिल रही है जनता को? आप 2014 में जी, अभी आप मोबाइल पे आप खोल कर देख लीजिए सिलेंडर कितने का था। अगर 1000 रुपए के आसपास ना रहा होगा तो बताइएगा मुझे, सब्सिडी छोड़कर। सब्सिडी तो दे ही रही थी सरकार, सब्सिडी क्यों खत्म कर दिया? अरे भाई सब्सिडी, हम तब कालाबाजारी थी, हमने कालाबाजारी में कितने गैस सिलेंडर कनेक्शन हमने वापस कराए। हम पहले सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी, सिलेंडर ब्लैक होता था, आज गैस सिलेंडर की उपलब्धता है। आप हमने अपने कितने करोड़ कनेक्शन मुफ्त में बांटे सिलेंडर के, हमने उपलब्धता कराई। सिलेंडर बांटने से तो गैस भी तो सस्ती होनी चाहिए। तो गैस कहाँ में, आप बता दो। चलिए गैस महंगी नहीं है, आप बताइए कि जो है क्या कहते हैं 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए 2024 के मुद्दे जो पहले रहे हैं वही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, नंबर एक बात। नंबर दो बात, लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इधर 30 सालों का ले लीजिए तो 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, 15 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं जनता के मुद्दे पर अगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी भी रही है, 15 साल कांग्रेस रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बताए किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया है इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी बताए किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए क्या किया है? हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के नेता पंकज गौतम जी आ गए हैं, बहुत देर करके आए हैं, और अब आप पंकज गौतम जी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। पंकज जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, पहला सवाल यही है कि 2024 में किस मुद्दे पर जो है बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ में आई हुई जनता को भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस 2024 के मिशन के विषय में कहूँ, इसके पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सर, 2024 के मुद्दे बताइए, ये मंच भाषा नहीं, मंच का भाषा नहीं है, मैं कोई बात कहूंगा संविधान के रूप में, संविधान की ताकत से आप यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना मैं संवैधानिक तरीके से बात नहीं करता। हाँ, शुरू करें, बताएं। तो सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब का चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, अपनी आदर्श आदरणीय नेताजी को लंबी उम्र की, आयु की कामना करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा जो मिशन होगा, यह शिक्षा व्यवस्था और यह जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। सुधीर जी आप बताइए, आप तो अभी क्या कर रहे हैं? आरोप लगाना सबसे आसान काम। कुछ लोग तो ऐसे मोदी विरोध में देश का विरोध तक चले जाते हैं, जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बेटी सुरक्षा। आप जिस जगह खड़े हैं, इस जगह की मैं बात बताऊं, यहाँ पे बेटियों का दिन में चलना दूभर था, यही गद्दोपुर में
यहाँ पे दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, यहाँ राइफल की नोक पे आपकी जमीनें कब्जा कर ली जाती थी, मजाल है राइफल निकाल के चल रहे हमारी सरकार सरकार। मैं स्थानीय मुद्दों पर भी बात करूंगा। चलिए आप बताइए आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी बताइए 2024 में चुनाव किस बैठ के किस मुद्दे पर होगा? देखिए कोई मुद्दा अलग नहीं होने वाला है, पहले के मुद्दे जो थे उसकी आवश्यकता की पूर्ति आज हुई है। 2024 का मुद्दा भी शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा पर ही होने वाला है। अच्छा, मतलब ये हमेशा यही मुद्दा रहेगा? मुद्दे तो यही थे ना, इसी की पूर्ति थी, इसकी पूर्ति हो रही है। जरा यहाँ पर जितने भी लोग विपक्ष के लोग बैठे हैं, कभी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 18 घंटे का रोस्टर इनका नहीं हुआ करता था। चलिए और सर, हाँ सुनिए, फिर जितने भी हाईवे बने हुए हैं, शिक्षा की व्यवस्था, नकल कितना होती थी, आज कितना सुधार हुआ है, और स्वास्थ्य में जाइए, जो बेली में बाहर से ही डब्बू मारता था, आज कितनी सफाई है, उसी मुद्दे पर होना है। और आप अक्षय जी बहुत फायदेमंद नेता है भाई, सुराव की आप बताइए कि 2024 में कुछ नया मुद्दा आएगा कि बस वही पुराना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज कर रहे हैं, इसके पहले के प्रधानमंत्री गण ने इतना अच्छा कार्य तो पहली बात किया। अच्छा, सेल बना, भेल बना, स्टील बना, वो सब जो बना ही नहीं था पहले। नर्मदा 45 साल कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन के लोगों ने यहाँ राज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 10 वर्ष पूर्ण हुआ है, और आज यहाँ भारत देश की आज यह व्यवस्था है, आज विश्व में आज हम सबका डंका बज रहा है, पूरे हिंदुस्तानी गर्व से कहते हैं भारत माता की जय। सर आप बताइए क्या 2024 में मुद्दे होने वाले हैं? अरे मुद्दा तो बहुत है भैया, बहुत लंबा मुद्दा। हाँ बताइए दीजिए। इन्हीं मुद्दे के हम जवाब देते हैं। हाँ कि 47 साल कांग्रेस थी, 47 साल में देश को जो है कर्जा जो है 70,000 था, 70 लाख। अब इनकी 10 साल में जो है 56,000 लाख कर्जा हो गया है। 56,000? हाँ बताइए, 47,000 करोड़ से 56 करोड़ रुपए हो गए। बताइए नेताजी 10 साल में देश के ऊपर इतना कर्जा बढ़ा देंगे? हमारे अध्यक्ष जी की उम्र का तकाजा है, मैं उससे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। आप समाजवादी पार्टी के यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, कर्जे की बात है, आप विदेशी मुद्रा भंडार देख लीजिए, जिससे देश चलता है, हमारे जीडीपी देख लीजिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया त्राहिमाम थी, हमने अपने पूरे देश को बचाया, पूरी दुनिया को भी सहायता की। चलिए मैं बसपा से भी बात कर लूं, नहीं बसपा वाले कहीं हमको समय नहीं देते। पंकज जी आप बताइए, मैं आ रहा हूँ नेताजी, आ रहा हूँ। पंकज जी आप बताइए, भाजपा का कहना है कि जो है वो बहुत तरक्की कर रही है, पिछले दिनों में बहुत काम किया, कितना सहमत है आप? भारतीय जनता पार्टी जितना तरक्की कर रही है यहाँ की पूरी जनता जान रही है, यहाँ की नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है, उसकी कालाबाजारी अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। चलिए कालाबाजारी जब चलने वाली नहीं है, चलिए बैठिए। हाँ आप बताइए। मैं खेमलाल मौर्या, क्या है मुद्दा? मेरा मुद्दा है कांग्रेस प्रत्याशी से जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बताइए इनकी कितने सांसद हैं, आज तक कोई कार्यकर्ता यहाँ गाँव में दिखाई नहीं दिया। आप बताइए कि मोहब्बत के मुद्दे क्या है? ये सवाल नरेंद्र मोदी, हाँ कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के कैंडिडेट बताएं कि उत्तर प्रदेश यहाँ क्या मुद्दा है फूलपुर में? चलिए भाई, कांग्रेस के प्रत्याशी बताइए कि जो है फूलपुर में क्या समस्या है, आप जानना चाहते हैं? आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप सवाल कर रहे हैं, अभी यही गोरी में आपके बीच गोरी पड़ता है, एक परिवार की दलित समाज 4 लोगों की हत्या हुई, उस परिवार अगर कोई आंसू पोंछने आया तो बहन प्रियंका गांधी जी आपके बीच में आई। बहन प्रियंका गांधी जी आई थी, हम दो उन लोगों से बात कर लेते, पीछे बहुत मुद्दे थे। आप बताइए सर क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? बेरोजगारी, महंगाई, इसी सब पर बात की होगी। चलिए आप बताइए 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे? 2024 में जो मुद्दे रहेंगे, सबसे पहले तो बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, ये बात करते हैं सिलेंडर की बात। इसके पहले जो सरकारें थी 390 रुपए सिलेंडर था, आज की सरकारों में 1200 रुपए सिलेंडर बिक रहा है। सब्सिडी हटा दिया, सब्सिडी कहा थी नहीं। अच्छा आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे 2024 में? सर जी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये भी हमसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे
कि गरीबी हट गई, महंगाई हट गई, जनता केवल महंगाई बेरोजगारी गरीबी बात कर रही है। गरीबी की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजना लाई कि देश के 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में राशन दिया, जब दुनिया 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में आज भी राशन मिल रहा है। और गरीबी की बात करेंगे, हमने रोजगार दिए हैं, आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, आपके पास सरकारी नौकरियां 2 करोड़ नहीं दे सकते हैं, फिर भी मैं हर साल 10 लाख नौकरियों का प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी बांट रहे हैं, और हमने स्टार्टअप के माध्यम से तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने बहुत सारी रोजगार को डेवलप किया। अभी आपने इन्वेस्टर समिट हुई देखी, कितने रोजगार आ रहे हैं। और यही बात अभी इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई हमने किसानों की बात की, हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि में हमारी सर प्रधानमंत्री जी ने दिया और बराबर देते रहेंगे। चलिए आप बताइए भाई, आपका कहना है कि गरीबी है नहीं, महंगाई है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, तो आप सपा प्रवक्ता के रूप में बताइए ओम प्रकाश जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ही जान रहे हैं कि महंगाई है कि नहीं। तो कह रहे नहीं है, 140 रुपया किलो टमाटर, 140 रुपया किलो दाल, तो सिग्नल चीज है, कैसे सिग्नल चीज जाते, गरीब के थाली, गरीब के थाली से जो रहा टमाटर हट गया, गरीब के थाली से जो रहा मतलब दाल हट गया, और बाकी महंगाई नहीं रहा है। अच्छा, अब रहा बेरोजगारी का सवाल। अभी बेरोजगारी में बताया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है 10 लाख प्रमाण पत्र हर साल बांटते हैं जो है नौकरी का। अभी 68,000 शिक्षक भर्ती हुई, और जिसमें बैकवर्ड और एससी का 18,000 वो भी खत्म कर दिए। चलिए सारे सवालों का खत्म, चलिए 18,000 में घोटाला हमला है उत्तर प्रदेश में, मतलब समाजवादी पार्टी इसका मतलब सवाल विरोधी है, सरकार उन्होंने कहा। चलिए आप बताइए पंकज जी क्या कहना चाह रहे। मैं पंकज गौतम, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, और कहने की बात मैं अपने पूरे उदाहरण लेता हूँ। मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर है, मेरे पास, लेकिन मैं आया यहाँ पर आज इस जो मंच पे मैं आया हुआ हूँ, मैं अपनी गाड़ी BMW से आया हूँ। इसी तरह से बीजेपी सरकार का काम है, सिर्फ इनके वादे सिर्फ माइकों पर होते हैं, मंचों पर होते हैं, किसी प्रकार की इनका कोई वादा पूरा नहीं था। बात शिक्षा की करते हैं, मैं शिक्षा की बात करना चाहता हूँ, तो इन्होंने 400% और 40% फीस शिक्षा पर बढ़ा दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि दलित पिछड़ा अन्य वर्ग का बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो हमसे सवाल पूछेगा। ये लोगों को शिक्षित ही नहीं करने देना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित नहीं करने देना चाहते हैं। एक मिनट, आप कितने सहमत हैं मनोज? देख रहे हैं जिस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया उस समय भी गरीबों को बच्चा, किसी के पास मोबाइल नहीं होती थी, 10,000 को आज भी शिक्षा से तब भी वंचित था। उनका जिस तरह से शिक्षा पे इनका पहला प्रहार है कि अगर शिक्षित नहीं होगा हिंदुस्तान का लोग, हमसे सवाल नहीं करेगा। चलिए सपा कितना सहमत है? सहमत है, सही है। चलिए आपको तो जवाब देना, शिक्षा की बात कर रहे हैं। मैं बसपा से भी पूछ लेता हूँ, क्या आप लगता है कि जो है शिक्षा नहीं देना चाहती है भाजपा? चलिए आप बताइए। अब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप जब ध्यान से सुनिएगा। हाँ बिल्कुल, प्राथमिक से लेकर के प्राइमरी तक शिक्षा मुफ्त है। अच्छा, ये तो हमेशा से रही है। नहीं, शिक्षा ये देना देने की बात कर रहे हैं ना, MDM हम दे रहे हैं। आओ सुनिए, हायर एजुकेशन में भी आप जाइए, हम शिक्षा के साथ साथ उनको वजीफा भी दे रहे हैं। हमने तकनीकी शिक्षा के लिए हमने टैबलेट बांटे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, टैबलेट बांटे। हम चाहते हैं डिजिटल इंडिया बने, पढ़े लिख के बच्चे आगे बढ़े, देश के विकास में अपना योगदान दे। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और भारत बढ़ रहा है। अच्छा, और हाँ, अभी पानी की बात आई, पानी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर को हम नल से जल देंगे, और आप विश्वास के साथ देख सकते हैं हर गांव में पानी की टंकी लगाई जा रही है। हम स्वच्छ जल देना चाहते हैं, दूषित पानी पी के बीमार ना हो, हम ये करना चाहते हैं, दूषित पानी पी के लोग बीमार ना हो, ये करना चाहते हैं। बहुत जनता आई हुई है। अब मैं बात करता हूँ NDA बनाम UPA की, गठबंधन की बात करते हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का कई पार्टियों के साथ गठबंधन है, अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन कर रही है जिसमें कांग्रेस भी रहेगी। हम गठबंधन के बारे में बात करते हैं, कौन सा गठबंधन ज्यादा सफल होगा? आप बताइए, क्या कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में जाएगी या जाने की संभावना है? देखिए, ये गठबंधन शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अगर नरेंद्र मोदी जी हर पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं तो हम लोग कोई अपराध नहीं करना। अगर इस तानाशाही सरकार को हराना पड़ेगा तो हम लोग गठबंधन भी करेंगे। तानाशाही सरकार बोल दिया है कांग्रेस ने, मैं आ रहा हूँ। आप बताइए सपा का गठबंधन कितना कामयाब होगा? 100% कामयाब। उत्तर प्रदेश में खाली 80 सीट है,
80 सीट पर गठबंधन करके सरकार कैसे बनेगी? 80 सीट में कम से कम 75 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है। सपोर्ट करेगी कांग्रेस? 75 सांसद जो है उत्तर प्रदेश में, चलिए 75 सांसद आपकी तो गठबंधन की बात की, हमारे तीनों पार्टी के प्रवक्ता है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इसके पहले भी गठबंधन हुआ था, वो ठगबंधन साबित हुआ। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। अगर ये गठबंधन की बात करते हैं तो अभी पिछले दो हजार ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, फिर भी दो दो जिले एक एक जिले वाली पार्टियों से क्यों गठबंधन करने के लिए लालयित रहती है? सुनिए तो पहले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, ये तो भारतीय बसपा का नारा है। उनका नारा ये नहीं था, उनका नारा ये नहीं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ। हम जिससे गठबंधन करते हैं, हमने अपना दल से गठबंधन किया था, आज तक हमारी सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन हम यहाँ पे नहीं तय करते, सीटों का बंटवारा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम जिससे गठबंधन करते हैं उनको बीच में छोड़ते नहीं। आप अपना दल सेना को नहीं छोड़ा, सेना ने हमको छोड़ा, हमने गठबंधन में चुनाव झारखंड में महतो को नहीं छोड़ दिया था, धोखा दिया। आप बनारस के महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जब शिवसेना और भाजपा का गठबंधन चुनाव लड़ाया तो शिवसेना ने हमारे साथ छोड़ के 1 मिनट हुई है। नहीं नहीं सर, आप ही रहिए, अब आप ही रहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन में चुनाव हुआ और शिवसेना को कांग्रेस ने बरगला करके उसको गठबंधन से, हमारी गठबंधन से गठबंधन का धर्म जो होता है उसको तोड़ करके सरकार बनाई और शिवसेना का हस्त क्या है आज आप देख सकते हैं। बिल्कुल, चलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से बात करता हूँ। ये बताइए कि गठबंधन के बगैर तो सरकार बनी नहीं है, बसपा क्यों कहती कि हम अकेले लड़ेंगे? इसीलिए अभी भाजपा के लोग कह रहे थे कि हमारी पार्टी है। बसपा हमेशा अपने आप पर भरोसा रखती है और बसपा जनता की ताकत, क्योंकि बसपा के साथ जाति धर्म मजहब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के साथ बता देना चाहता हूँ, हर गरीब हर मजलूम ये सब के साथ, ये खुद रहे हैं खुद जान रहे हैं, तो हम बताना चाहते हैं पैसा कोई नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, पेट में दर्द क्यों है? पेट में दर्द क्यों है? इतना पेट में दर्द है, बोलता है उसके बीच में बोलने का काम। चलिए आप बताइए, बिगर गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी कौन सा रिजल्ट लाएगी? जब 2000 मैं कह रहा हूँ किसी जाति धर्म मजहब को नहीं छोड़ते, मैं बता रहा हूँ आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। वो हमेशा गरीब मजलूम चाहे जिस धर्म का हो चाहे जिस मजहब का हो सबकी ताकत से वो चिल्लाती है कि जो है बहुजन समाज। मैं बात करना चाहता हूँ कि बगैर गठबंधन के 2014 वाला रिजल्ट आएगा या 2020 वाला रिजल्ट आएगा? चलिए चलिए ठीक है, और लोगों से पूछ लेते, पीछे बहुत आवाम है, आप बताइए सर गठबंधन किसका सफल होगा, सपा का या भाजपा का? कांग्रेस का। कांग्रेस का, चलिए आप लोग युवा है, आप लोग बताइए, कुछ राजनीति में रुचि लेते हैं? बताइए। इच्छा भी है। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए कि गठबंधन यहाँ पे जो है ये विपक्षी दल जो जितने गठबंधन कर रहे हैं उनका सफल होगा? हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि जो है टैबलेट दिए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे छात्र कौन सा छात्र जो है रोजगार कर रहा है, छात्र पढ़ाई करेगा कि उसके साथ जो डाटा डलवाएगा, ये वादा इनका था कि जो है जीबी देंगे, इनसे पूछिए जीबी कब मिलेगा? चलिए 2 जीबी का वादा था सुधीर जी, 2 जीबी डाटा का भी वादा था लैपटॉप के साथ में, वो भी मिला नहीं, देने वाले है कि नहीं? हमने टैबलेट दिया है तो निश्चित तौर पर आप विश्वास है कि हम 2 जीबी नहीं 10 जीबी डाटा देंगे। कब तक? निश्चित मिलेगा जैसे टैबलेट। सुनिए असल बात, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हमने जो वादे किए थे, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारा मैनिफेस्टो में था, अभी इन लोगों ने कहा वादा नहीं पूरा करा, टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे, इन्होंने अपने वादे भूल गए सर, याद नहीं है? बहुजन समाज पार्टी का वादा भूल गए? अभी पिछले 2019 में इन्होंने सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, अब जो ही रिजल्ट आया उसके बाद गठबंधन का हसर आपने देखा है। 2022 में 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ विधानसभा के चुनाव में, दो नए लड़के उत्तर प्रदेश को चलाने आए थे, उन्होंने आप देखा उसका हस्त क्या हुआ। हम मैं फिर से कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट इस बार भाजपा जीतने जा रही है और डंके के चोट पे जीतेगी। आपने तो 75 कह दिया, तो आपका भी यही रहा होगा, कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी? हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान का किसान,
उसको सब मालूम चल चुका है कि पहले भी कौन सरकारें अच्छा चलाती थी और इस समय कौन चला पाएगी। चलिए मैं फूलपुर की बात करता हूँ, स्पेशली फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी से केसरी देवी पटेल जी को 5,44,701 वोट मिले थे, वो चुनाव जीती थी। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के संयुक्त प्रत्याशी पंडारी यादव जी थे। पंडारी यादव जी को 3,72,733 वोट ही केवल मिल पाए थे और वो 1,71,000 वोट से चुनाव हार गए थे। 2024 का चुनाव होने वाला है, सबसे पहला सवाल तो आपसे है समाजवादी पार्टी से, 1,71,000 समाजवादी पार्टी का सांसद 3,00,000 के ऊपर से जीते जा रहा है। 3,00,000 नोट कर लीजिए, 3,00,000 फुलपुर नोट हो गया है, रिकॉर्ड हो गया है। आप ये बताइए 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तब तो 1,71,000 से हार गए और आप कैसे कह रहे हैं कि जो जीतेंगे? चूंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जुमलेबाजी करके जनधन योजना खाता खुलवाया, उनके खाता में 15,00,000 की आस लगाए किसान, आस लगाए जनता, आस लगाए बेरोजगार बच्चे, उस आस में बह गए। कांग्रेस होता है कि दो क्या संभावना है, 32,000 वोट मिला था पंकज निरंजन को कांग्रेस से पांचों विधानसभा में, 2024 में अकेले लड़ेगी तो कहाँ रहेगी? देखिए पूरा हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर पैदल यात्रा, मैं फूलपुर की बात करता हूँ, कर्नाटक की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राजस्थान की नहीं आ रहा हूँ। उनकी जो ताकत, उन्होंने किसानों से यात्रा के दौरान बात किया, मजदूरों से बात किया, नौजवानों से बात किया, शिक्षा के लेकर बात किया, तमाम सवाल खड़ा किया, इस देश के अंदर पूरा हिंदुस्तान समझ गया है हिंदुस्तान का मात्र एक नेता है जो नौजवानों की बात करता है, तो उसका नाम है राहुल गांधी। चलिए मैं बात आपसे करूंगा नेताजी, इसके पहले बसपा से पूछ लेता हूँ, ये बताइए फूलपुर में गठबंधन था, अब गठबंधन नहीं है, क्या संभावना देखते हैं? तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग चैलेंज कहां से करते हैं, चैलेंज कहां से करते हैं कि हम 100% में 100% तो कोई चीज नहीं होता। हाँ दुनिया में कोई चीज, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं के दम पर कि ईवीएम के बात है, नाच नयावे आंगन टेढ़ा, चलिए नयावे आंगन टेढ़ा, असल बात है क्या कि इन लोगों का सपा बसपा कांग्रेस का केवल एक आरोप है, सिर्फ आरोप लगाना करना कुछ नहीं। अच्छा। अभी इन तीनों लोगों से पूछ लीजिए, इन तीनों लोगों से पूछ लीजिए इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री तय है, मैं इन तीनों लोगों से पूछ लीजिए प्रधानमंत्री कौन होगा। बताइए 2024 में जो मार्जिन था वो कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा? एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, फूलपुर लोकसभा जो है ज्यादातर समय यहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे हैं। 2014 में यहाँ पे हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने चुनाव लड़ा था और 5,00,000 वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद उपचुनाव हुआ फिर सपा जीती, 5,00,000 टोटल पाए थे, 5,00,000 के मार्जिन से नहीं जीते थे। हाँ 1,71,000 वाला जो मार्जिन है, नहीं केशव जी के आपको तो जानकारी नहीं, 3,00,000 हम 10,00,000 से चुनाव जीते, चुनाव लेकिन उपचुनाव में हम फिर हार गए। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीती 17 में, ठीक, उसके बाद फिर हम चुनाव जीते 19 में। आप इनसे पूछिए कि ज्यादातर समय में जब सपा बसपा के सांसद थे तो इस क्षेत्र का क्या विकास किया? वो आऊंगा, सुनिए, बिजली यहाँ पे 4-4 घंटा किसानों को बिजली मिली, मैं आ रहा हूँ फूलपुर, फूलपुर की फूलपुर में बिजली नहीं आती है। रुक जाइए एक मिनट, मेरा मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुझे समय दे दीजिए। मेरे पास बहुत सवाल है, आप लोग शांति बनाए, थोड़ा सा शांत रहिए, मेरे पास बहुत सवाल है। मैं बात करता हूँ फूलपुर सांसद के योगदान पर। अदित जी आप बताइए फूलपुर सांसद का कितना योगदान है इस क्षेत्र के लिए, कितना विकास किया है? जब से ये लोकसभा चुनाव जीत कर गए हमारे माननीय केसरी देवी सांसद जी,
आप ये पूरे हमारे क्षेत्र की जनता बैठी है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, एक भी कार्यकर्ता या किसी जनता से मिली हो तो वास्तव में मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। संन्यास ले लेंगे। आप बताइए फूलपुर सांसद ने कितना काम किया है, आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, फूलपुर सांसद तो दिखते ही नहीं है। रही विकास की बात, यही बगल में शारदा सहाय नहर की एक शाखा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से माननीय सांसद जी सांसद हुई है, तब से इसमें पानी नहीं आया। अभी जो है बीजेपी के प्रवक्ता जी ने लाइट की बात की, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, सिर्फ एक एनटीपीसी और वो भी देहरादून में लगा, तब से एक भी एनटीपीसी अगर बिजली के लिए लगाया हो बीजेपी तो वो मुझे बता दे। नहीं लगाया है एनटीपीसी, मैं जनता से और बात कर लूं। भाई आप बताइए फूलपुर सांसद ने कितना काम किया है? कुछ जब से 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, रिजल्ट मिला है, तब से इस लोकसभा की जो लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय तो नहीं कहा जा सकता लेकिन सम्मान से कहा जा रहा है, वो आज तक लोग फूलपुर लोकसभा में उनका दर्शन ही नहीं हुआ है। दर्शन नहीं हुआ है अभिषेक जी, आप तो भाजपा के फाइव ग्राम नेता है, दर्शन नहीं हो रहा है कह रहे हैं फूलपुर सांसद ने, बताइए इतनी जनता झूठ बोल रही है? देखिए जनता तो बताए सच कह रही है, लेकिन कहना इतने चाहूंगा कि गांव का प्रधान जो है 5 साल में अपने हर एक घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाता है, और यह 5 विधानसभा है, कितने देवतुल्य जनता है, हर जगह पहुंच पाना नामुमकिन होता इन, है। इन पार्टियों के सांसद क्या घर घर जाके 5 साल मिलते रहते थे? कई सांसद हैं बताइए पहले, हम भी तो इसी लोकसभा में हैं। अब जो लोग हैं वो जाएंगे, हमारे गांव में तो आज तक कोई सांसद भाजपा छोड़ आया ही नहीं। सर बताइए भाजपा सांसद कितना आती जाती रहती है क्षेत्र में, सबके यहाँ पहुँचना तो मुश्किल है ना। फूलपुर में सांसद वहाँ कहा कौन लोग अब ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, कोई जब दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए आप युवा नेता है, फूलपुर सांसद के कोई आपने विकास देखा है? बिल्कुल हुआ है। अभी आप देखिए आप कई रोडों का अभी कार्य हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र में, आप और नल का भी आप देख सकते हैं कई कार्य हुआ। इससे पहले सपा के हम पूरे सांसद थे, वो कब दिखाई दिए हम उसके? चलिए सपा के सांसद कब दिखाई दे, थोड़ा पीछे वालों से बात कर ले, हम पहुंच नहीं पाते हैं। आप बताइए फूलपुर सांसद के कामों से कितना अभी दिखाई नहीं दे, आप बताइए फूलपुर सांसद काम से, सांसद देखने की बात अलग है लेकिन काम पे जाइए, काम विकास हुआ है बीजेपी द्वारा। जी 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 वो अलग बात है, अपनी पार्टी चुनकर रखे हैं वो आपको नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर विकास हो जाएंगे, विकास हुआ है, विकास हुआ है। अब मैं सर आपको साबित पहले तीनों विपक्ष से पूछ लेता हूँ, आप बताइए फूलपुर का। हाँ तो अभी बाद में दीजिए ना विस्तार में, आप बताइए फूलपुर में क्या विकास हुआ? अभी आपने कहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हाँ ये कह रहे हैं ईवीएम पीवीएम ये तो एक बहाना है। हाँ। मैं पूछ रहा हूँ अगर ईवीएम बहाना है, आप जनता की ताकत से जीतते हैं? हाँ। यहाँ जनता है, इतने में पूछ लीजिए ईवीएम और जनता। सर ईवीएम और जनता दोनों देख लीजिए, सबकी जनता बैठी है। सपा बताया कि फूलपुर सांसद ने तो बहुत विकास किया, कहना है कितना सहमत है? कहा दिख रहा है जी, कहा सारे रोड चौड़ी हो गई, कई फ्लाई ओवर बने, कई आर ओ भी बने फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुत दिन से बन रहा है। चलिए आप बताइए फूलपुर में यही विकास हुआ है कि नहरों में पानी नहीं है और वही पानी रोडों में भरा दिखाई दे रहा। चलिए अब आप भाजपा नेता सुनिए जी बताएं। असल बात एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये बात कर रहे थे ना अभी कि हाँ बोलिए बोलिए ओवरऑल जवाब दीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा यहाँ बिजली नहीं मिलती, मैं 2017 के पहले बता दूं बिजली कैसे मिलती थी, सिर्फ 3 जनपदों में मिलती थी, इटावा सैफई मैनपुरी। हमने पूरे 75 जिलों को बराबर बिजली दी है, इटावा सैफई मैनपुरी में केवल बिजली नहीं दी है। फूलपुर बताइए, हम उपलब्धि बता रहे हैं, हमारी सरकार बनने हमारा नेता हम उपलब्धि भी गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2017 में उत्तर प्रदेश में बलात्कार तहसील लेवल पर 4 घंटे का शिफ्ट मिलता था, और यहाँ पर सड़कें जो आप चल रहे हैं, ये सड़कों पे आप इलाहाबाद जाना पड़ता था तो एक्सीडेंट इतने होते, गाड़ी सड़कें नहीं, हमने सड़क बिजली पानी। मैं जिस गांव में हूँ वहाँ सड़कें खराब है, लोगों की शिकायत है। देखिए ये बना हुआ है कांग्रेस के जमाने की बात है। अरे आप लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ की मैं आ रहा हूँ, देखिए
मैं सराय विधानसभा में हूँ और सराय में मुझे तीन सराय विधानसभा में हूँ, सराय में क्या समस्याएं है वो मैं जनता से भी जानूंगा और नेता से भी जानूंगा। चलिए आप सराय से तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, आप बताइए सराय में आज क्या समस्याएं हैं? सराय में इस समय आप कहीं भी देखिए कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है, कहीं आपकी पूरी गाड़ी पहिए डूब जा रही, गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हो जा रहा है, पहला मुद्दा यही है। और जिस तरह से देख रहे हैं हम, नहर में कहीं पानी नहीं है, किसान बेचारे धान नहीं लगा पा रहे हैं, धान नहीं लगा पा रहे। आप बताइए कि क्या समस्या है सराय विधानसभा में? सराय विधानसभा में सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि ये मोवाइमा की जो कताई मिल है, कम से कम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कम से कम इस कताई मिल को तो चालू करवा दे। बिल्कुल विकास कोई समस्या दिखती है आपको? बिल्कुल, जो अभी कताई मिल की बात की ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कब से वादे वादा करते चले आ रहे हैं, जब देखो तब पेपर निकल रहा है, कोई मतलब नहीं है। चलिए हम जनता से भी जान लेते हैं, जनता बहुत उत्साहित है बताने के लिए सराय विधानसभा में क्या समस्या है बताइए। देखिए हम दो मुद्दों पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो दो नारा है, एक है जो है पहला इनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और दूसरा जो नारा अभी चल रहा है अभियान की हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो संभव नहीं है क्योंकि ये देश संविधान चलेगा आप भी जानते हो। मेरा प्रश्न ये है, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और केंद्र में भी, जहाँ एक तरफ ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो वहाँ पर दोनों जनजाति समुदायों को लड़ाया जा रहा है, एक समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहाँ पे सरकार एक तरफ जहाँ मुस्लिमों के विरोध में बात करते हैं कि मुस्लिमों का हम विरोध कर रहे हैं ये कर रहे हैं, वहाँ पर अपने वो क्या हिंदू नहीं है? आप वहाँ पर उनको जो है जो लड़ाया जा रहा है फूलपुर में, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रदेश देखिए आपने आपने देर कर दिया है, मैं आपको बताऊं अभी मेरे पास धार्मिक मुद्दा है, जब मैं उस पर आऊंगा। मेरा जो प्रश्न है सांप्रदायिक जो हिंसा हो रही है, लाखों लोग वहाँ पे पलायन किया, हजारों लोगों की वहाँ पे जाने गई है, एक बार भी मोदी जी ने क्या बोला वहाँ के लिए? मैं जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ। सुधीर जी ये बड़ा मुद्दा है, खराब करते हुए बोल दे रहा हूँ, मणिपुर का जो मुद्दा है शायद इनको ज्ञान नहीं है, मणिपुर की जो आंतरिक स्थिति है उसका इनको ज्ञान नहीं है। मणिपुर में जब हिंसा हुई, मणिपुर में जब हिंसा हुई, इस देश के गृह मंत्री 5 दिन वहां रह करके सारे समाज में जाकर के वहां घर घर जाकर के दंगा का समाधान कराया। हमें यार राहुल गांधी, जब राहुल गांधी गए तो फिर विरोध क्यों कर दिया? कहां विरोध किया? राहुल गांधी घर घर जाके मिले हैं, वो जिस दिन बिना प्रोटोकॉल के जाना चाहते थे, असल में राहुल गांधी की समस्या है वो ऐसा काम करना चाहते थे। अरे भाई अब तो बिना प्रोटोकॉल के जाएंगे, सांसद तो है नहीं है, सांसद तो नहीं है ना, सामान्य आदमी है भाई, वो भीड़ लेके चलते हैं, अगर उनके साथ सुरक्षा ना जाए, कल कोई घटना घट जाए तो देश हमारे प्रधानमंत्री पे आरोप लगाएंगे। मैं सुराम की बात कर लेता हूँ। चलिए आलोक जी बताइए आपको सुराम कोई समस्या दिखती है? सुराम में देखिए पहले की अपेक्षा इतनी समय सुराम में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए दो दो एमएलसी चुनके भेजा है पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले जितनी भी समस्या का समाधान होता है, यहाँ पर बैठे ऐसे 15-20% लोग हैं जिनका कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और हम लोगों के पूरे सहयोग से चलते हैं। पार्टी पक्ष में अपनी बात रखना अलग विषय है। सुराम कोई समस्या को दिखती है? समस्या तमाम है, समस्या की कमी का थोड़ी है। बताएं। अरे समस्या बताएं, सांसद जी हमारा कार्यक्रम देख रही पूरा करें। ऐसा है समस्या तो एक तो सांड जो पहले लोग किसान बेच डालते थे, हमारा पशुओं से खेती नष्ट हो रही है। बिजली की समस्या जो कह रहे हैं 1980 वगैरह में 22 घंटा बिजली काम, चलिए 22 घंटा बिजली रहती थी, आ रहा हूँ आपके पास। चलिए आप बताइए, आप बहुत उत्साहित है। मैं एक बात तो बोलूंगा कि सड़क की बात हुई 2012 से, यही सड़क की यही सोलान से गोपिया में उनका नाप हुआ था 2012 से 2017 तक, जितनी भी नाप करने आती थी एजेंसियां ने कुछ लोग लग जाते थे अपने चहेते लोगों से। माननीय मुख्यमंत्री के प्रथम दिन से 6 महीने तक ये रोड कंप्लीट हुआ है, उनके 6 महीने के सुराह में आज आपको समस्या दिखती है कि नहीं? समस्याएं देखिए हर घर में है, तो कुछ ना कुछ रोती है, सही है। मैं मुझे जो है सुराह की जनता ने 3 समस्या बहुत बड़ी बड़ी बताया था और आज मैं अपने मंच के माध्यम से उसको बताना चाहता हूँ ताकि हो सकता पूरी हो जाए। जवाब आप देंगे। पहली समस्या उन्होंने बताया था कताई मिल, दूसरी समस्या बताया था मऊमा रेलवे लाइन पर ऊपरगामी पुल आरओबी, तीसरी समस्या बताया था कलंदरपुर से मऊमा तक के लिए एक सड़क
जो सोच टूटी हुई है। अब भाजपा नेता बताएं हैं ये तीनों समस्याएं सुराव की है कि नहीं। दरअसल बात आप सुराव विधानसभा में हैं जी, दुर्भाग्य से यहाँ पे विधायक भी सपा का है। हाँ, अभी एक साल पहले नहीं बता रहे हैं, एक साल पहले ही का विधायक, अरे एक साल पहले उसके असल में 5 साल अगर छोड़ देंगे हमारे अपना दल गठबंधन के विधायक के अलावा तो यहाँ भाजपा का केवल एक बार रंग बहादुर पटेल विधायक हुए थे, उसके बाद उसके वहाँ भाजपा कभी रही नहीं। जब रंग बहादुर पटेल यहाँ पे विधायक थे हम कह तो रहे अपना दल के गठबंधन में हमारा विधायक था यहाँ जमुना विधायक थे, उसके पहले रंग बहादुर जी यहाँ विधायक थे। रंग बहादुर जी ने जो काम किया, जो सड़कें बनवाई, आज भी लोग उसी सड़कों पे चलते हैं। और रही सड़क बनवाने की बात, सड़कें नहीं बनी है, गाँव गाँव सड़कें पगडंडी हुआ करती थी, हमने 7 मीटर चौड़ी रोडें बनाई है, आप कहाँ पे सड़कें हैं। मुद्दों पर बात करिए, आरओबी की बात कर रहे हैं, आरओबी मवामा में जो हाईवे के ऊपर आरओबी बन चुका है, और मवामा में जो रेलवे लाइन है उस पर आरओबी पास हो चुका है, उसका टेंडर भी हो गया, उसका पैसा भी जा चुका है। हम यहाँ पे गोहरी गोहरी पे आरओबी पे टेंडर हो चुका है, पैसा जा चुका है, अब काम होने। यहाँ महाकुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले जितने रेलवे लाइन गए सब पे आपको आरओबी मिले। चलिए महाकुंभ के पहले सब पर आरओबी मिल जाएगी। सुराव विधायक साल भर पहले सुराव में जो है अपना दल यश के विधायक जमुना सुरेश जी थे, इस बार 2022 का जब चुनाव हुआ तो सुराव में समाजवादी पार्टी के नेता गीता पासी को 91,474 वोट मिले और अपना दल पूछ लीजिएगा अपना दल मैं आ रहा हूँ अपना दल यश, अपना दल यश से जमुना सरोवर को 85,884 वोट मिले, जो केवल 5,590 वोट से चुनाव हार गए थे। चलिए बताइए, हाँ हमारा ये बीजेपी प्रवक्ता जी से ये प्रश्न है कि अखिलेश भैया ने 2015 में आईटीआई कॉलेज बनवाया था सुराव विधानसभा में, इनसे ये पूछिए वो चालू कब करेंगे, ये चालू बेरोजगारी शिक्षा की बात है, ये कॉलेज कब चालू होगा, कौन पूछता, अखिलेश भैया जी ने उसे कंप्लीट करवा दिया था, ये बताइए ये कब चालू करवा रहे होंगे। और ये रोज 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 की सड़कों पे ये हाईवे है, ये आवारा साल गौशाला तो बनवा दिए, साला कब बनवा रहे हैं ये, किसानों का बहुत ही नुकसान हो रहा है, वो खाएंगे क्या। बिल्कुल आप बताइए सर, जब से बीजेपी सरकार आई है दलित अत्याचार 27% बढ़ा है, अभी फिलहाल अभी आप देख लीजिए अंतिम जो हो रहा है उस पर हम इनसे जवाब चाहते हैं। दो चीजें ज्यादा, एक मिनट भाई देखो, भाजपा प्रवक्ता पास ज्यादा जाना पड़ रहा है, दो सवाल, चार साल कब बनेगा, और एक सवाल ये है कि दलितों पर दलितों पर अत्याचार कर रहा है। गाय सांड आप आज इस भारतीय संस्कृति से निकाल देंगे तो भारत की संस्कृति में फिर आप, हम गाय को माप का समान दर्जा देते हैं अगर, या तो हम पहले क्या करते, हमारा नारा था हम गाय नहीं कटने देंगे, हमने गाय को कटने से बचाया, अब गाय क्या करे, हम आपके घर में तो बांध नहीं सकते। दरअसल बात हमने बनाए, हर गांव में गौशालाएं बनाई हैं, इन गांव हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अरे आप गौशाला तक, आप गौशाला तक कल पहुँचा, देखो ज्यादा लंबा प्रोग्राम खींचेगा। आप सुराव के विधायक से काम से कितना संतुष्ट है नेताजी? कोई काम नहीं कर रहा है। चलिए सुराव की सपा विधायक है, बसपा पहले कोई काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी की हमारे विधायिका माननीय गीता शास्त्री जी, हाँ जब से चुनाव जीती है हाँ तब से लगातार कंटिन्यू, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसका वो भरमल न किए हो। उसके बाद उनके फंड में, चूंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारी विधायिका की सरकार नहीं है, हमारे विधायिका जी का जितना खाते में जितना पैसा आ रहा है, आप समझ लीजिए कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां 50 से 100 मीटर जो है मतलब काम कराने का काम रखे। चलिए कांग्रेस बताए सुराव विधायक काम से कितना संतुष्ट है? एक मिनट चुप रहिए, शांत रहिए। गीता पासी जी, एक मिनट, जिस तरह से अभी आप देखे होंगे 5 साल पहले जब यहाँ से विधायक जमुना प्रसाद सरोज जी थे, उनका काम अच्छा नहीं रहा होगा, जनता उन्हें नकार दिया। अगर गीता पासी जी का 5 साल कार्यकाल अच्छा नहीं रहेगा तो जनता उनको भी यहाँ से, आपने जनता से क्यों नहीं अच्छे काम के वायदा किए, चुनाव तो आप भी लड़े थे। हम लोगों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार किसानों मजदूरों सभी की बात की, लोग ये जो तानाशाही सरकार थी सपा बसपा जो पोलराइजेशन वोट हुआ इसके तहत पूरा करा हुआ। चलिए पब्लिक का
कि आईटीआई जो अखिलेश ने बनवाया सपा सरकार ने बनवाया चालू होगा कि नहीं? यहाँ पे पूर्व विधायक सत्येर मुन्ना जी ने आईटीआई कॉलेज बनवाया, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। आईटीआई कॉलेज तकनीकी समस्याओं के आईटीआई कॉलेज चल रहा है, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण से इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन हो रहा है, कॉलेज यहाँ के नाम पे चल रहा है और जल्द ही यहाँ पे पढ़ाई भी चालू होगी। और पूछिए हमारे सरकार का समस्या है। मेरा कहने का मतलब इन लोगों का नहर में पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है। आप चल के मैं आपको दिखा दूँ। चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं फूलपुर सांसद आपसे। पंकज जी बात हो गई, बताए इन्होंने गाय की बात की, मैं आपको दिखाऊंगा। इसी ग्राम सभा ददौली का एक गौवंश है, आप देख सकते हैं, कैमरा यहाँ लाइए, देख लीजिए गायों की परिस्थिति है कि जानवर भूख प्यास धूप में तड़प रही थी, तो मैं अपने दो लोगों के साथ उनको पानी पिलाने का काम किया। ये गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी गुंडाई करते हैं और गौ रक्षा के नाम पर वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। देखिए बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम समस्याएं हैं, कुछ भाजपा के नेता हैं जिनको समस्याएं नहीं दिखती हैं, अब हम लोग विकल्प पर चलते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए अभी गाय और बैल के विषय में इतना लोग टिप्पणी कर रहे हैं, पहली चीज एक चीज समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो हमारे मैनिफेस्टो में रहता था कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, तो सभी लोग पूछते थे। जब यह इसके पूर्व में सरकार बनी, गौ हत्या पर कोई भी मतलब नियम नहीं लाया गया था, तो यही सारे लोग पूछते थे कि गौ हत्या कब बंद होगी, गौ हत्या कब बंद होगी। अब हम सुन लीजिए, तुमने सुन लीजिए, बोली जब हमने गौ हत्या पर अंकुश लगा दिया तब यही लोग कहते हैं कि अब गौ हत्या क्यों नहीं। आप लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया? बात सुनिए, हर ग्राम सभा में गौशाला बना है, उससे बड़ा मुद्दा ये है कि पहले लोग गायों को छोड़ते नहीं थे, आज आवारा की तरीके क्यों छोड़ रहे हैं? ये वही मानसिकता के लोग हैं। पहले गायों को कोई छोड़ते हैं भाई? जब बकेन हो जाती थी तो उसको चारा देते थे, जब दूध होता हर समय गाय दूध नहीं देती थी। वो मानसिकता के लोग हैं जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजते हैं। चलिए, जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेजते हैं। अब बात करते हैं सांसद के चेहरे की, समाजवादी पार्टी में, मैं बाहर आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में क्योंकि विपक्ष में दावेदारों के लंबे फेरिस्त है, कहा जा रहा है 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, कृष्णा पटेल जी का भी नाम आ रहा है, आर के वर्मा का नाम आ रहा है, दूधनाथ पटेल जी का नाम आ रहा है, मनोज पांडे जी का नाम आ रहा है। समाजवादी पार्टी में लगभग एक दर्जन नेता दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। समाजवादी पार्टी से प्रश्न है, कौन प्रबल दावेदार है, कौन होगा प्रत्याशी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस भी प्रत्याशी को सब फूलपुर में भेज देंगे, समाजवादी पार्टी के लोग जिताने का काम करेंगे। अच्छा, चाहे जो आ जाएगा। चलिए मैं विकल्प की बात करता हूँ, फूलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी कौन होना चाहिए? समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उन्हें चुनाव जिताकर सदन भेजने का काम। चलिए, आप सपा को सपोर्ट करते हैं, किसी एक का नाम बताएंगे, नीतीश कुमार के या जो है आर के वर्मा या दूधनाथ पटेल या फिर जो है कृष्णा पटेल? माननीय अखिलेश भैया जी जिसे यहाँ पे टिकट दे के भेज देंगे वो यहाँ से सांसद बन के जाएगा। चलिए आप बताइए सपा का कौन होना चाहिए प्रत्याशी? यहाँ जो हमारे माननीय आदरणीय अखिलेश जी जिसको भेजेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भेजेंगे, जो की समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे आदरणीय अखिलेश भैया ने जिसको भेज देंगे, उसको हम लोग जो है पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में जो है भेजने का काम करेंगे और ज्यादा वोट से। अच्छा, ये बताइए भेजिए स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा नहीं होगा, पैरासूट प्रत्याशी भेज दिया तो? कोई नहीं, मुद्दा बाहरी रहेगा, समाजवादी ही का संसद होगा। चलिए आप बताइए भैया, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होना चाहिए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुराह विधानसभा के ददौली की धरती पे प्रोग्राम किया है, जैसे कि आपका तो मोदी जी के ऊपर भी लागू। मैं सर आ रहा हूँ, आपने अपना प्रोग्राम नाम है, आपका सांसद कौन? तो हम यह कहना चाहता हूँ कि 2019 में हम लोगों ने आज केसरी देवी पटेल को भारी मतों से विजयी बनाकर सांसद भेजा था। जी जी जी। लेकिन चार साल से ज्यादा समय बीत गया है, कभी भी आप 2024 में बताइए किसको सांसद देखना चाहते हैं? इस क्षेत्र की जनता ने कभी उनका चेहरा नहीं देखा है। इस बार यहाँ से परिवर्तन होने जा रहा, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से सांसद बनेगा। मैं कांग्रेस की तरफ भी आऊंगा, बसपा की तरफ भी आऊंगा, मैं पहले बात कर लेता हूँ बीजेपी से।
भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती केसरी देवी पटेल जी सांसद हैं, लेकिन इसमें भी दावेदारी है, इसमें दावेदारी उनके लड़के दीपक पटेल की है। कहा जा रहा है कि अगर उनको टिकट नहीं तो दीपक पटेल जी को, दीपक पटेल के अलावा डॉक्टर विक्रम पटेल और उनके साथ साथ केशव मौर्य जी का भी नाम लिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, केशव मौर्य, दीपक पटेल या विक्रम पटेल? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, उसके आगे सब कुछ फेल। अच्छा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी चाहे जो आएगा वो ABCD कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी कमल का फूल हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद फिर से चुन के जाएगा। चलिए आप बताइए आलोक जी, आप ही बता दीजिए, क्या आप यहाँ से सांसद बदलेगा या रहेगा? 2024 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनेगा। चलिए आप बताइए आलोक जी, अगर केसरी देवी नहीं तो कौन? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी चुनके यहाँ प्रत्याशी आएंगे, नरेंद्र मोदी कमल का फूल। और एक चीज समझ लीजिए, अभी ओम प्रकाश भाई जो समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे 75, थोड़ा सा आंकड़ा उनका उल्टा है, ये NDA गठबंधन का 75 रहेगा, बाकी में 5 में सब बांटेंगे। चलिए ठीक है, फूलपुर का सर सांसद किसको देखना चाहते हैं? अरे देखिए, ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन तो पार्टी लेवल की बात करती है, मैं पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फूलपुर जो संसदीय क्षेत्र को जनता जो है यहाँ चारागाह समझती है, नेता अचर के चले जाते हैं, कोई आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो साथियों, उस संसद को बनाइए, उस लोगों को बनाइए जो किसान गरीब मजलूम का नेता, पांचों विधानसभा का जो हो अपने क्षेत्र का नेता हो, उसे बनाने का काम करेंगे। वर्तमान संसद रिपीट करेंगी या जो है फिर कोई नया? वर्तमान संसद तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। आप बताइए सर, क्या हो सकता है फूलपुर में? फूलपुर में सपा का सांसद होगा और क्या होगा? चेहरा कौन होगा? चेहरा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, चेहरा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा फूलपुर में सपा का। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका जो है सांसद कमल का फूल ही होता है। कांग्रेस होता है, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिसको यहाँ से प्रत्याशी बना देंगे, वही यहाँ का सांसद होगा। चलिए, प्रत्याशी बना देंगे, सांसद होगा। बहुजन समाज पार्टी में 3 दावेदार हैं, इलियास अहमद, नंदन पटेल और रामचंद्र यादव जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इन तीनों दावेदार में से किसी को या किसी और को? हमारी शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेंगे, हम लोग उनको पूर्ण बहुमत से जिता करके भेजने का काम करेंगे। और जिताने के बाद सबसे पहला काम होगा, जिताने के बाद सबसे पहला काम होगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सारी कब्जाई हुई भूमि है, जो कमजोर मजलूम लोगों को बहुजन समाज पार्टी में पट्टा मिला था, वह पट्टा सबसे पहले खाली कराया जाएगा। चलिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो पट्टा खाली कराया जाएगा। आप बता ही दीजिए, बसपा का सांसद कौन होगा? बसपा का सांसद आदरणीय बहन जी सिर्फ चेहरा है, वो जिसको भी तय करेंगे, हम लोग उसको भारी से भारी मतों से जिताने का काम। चलिए, अब मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री के चेहरे पर। सभी लोग सुन लीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा हर तरफ से है। पहले मैं कांग्रेस से बात कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी की सदस्यता ही चली गई है। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए चली गई है कि वो अडानी का 20,000 करोड़ का सवाल कर रहे हैं सदन के अंदर। आप चेहरा बताइए, प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता गुजरात हाई कोर्ट से चली गई है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात, पूरा गुजरात संघ कार्यालय से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खुला है, हम लोगों को विश्वास है, हम लोगों को उम्मीद वहाँ। राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, प्रियंका ही बन सकती? अभी हमारे पास चेहरे कमी नहीं है, हमारे पास तमाम चेहरे हैं कांग्रेस। आप बताइए, पीएम चेहरा अखिलेश या नीतीश जी? हमारा गठबंधन तय करेगा, गठबंधन तय करेगा, गठबंधन तय करेगा, मोदी जी चेहरा। मैंने आपको पहले कहा, विपक्ष पास न तो नेता है, न नीति है, न नियत है। हमारे पास दमदारी से एक नेता है, नरेंद्र मोदी, जो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी की जो सजा मिली है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय से मिली है। इनको लगता है कि कानून व्यवस्था, चूंकि मानते तो है नहीं कभी, इन्होंने कानून को तो कभी माना नहीं, न्यायिक व्यवस्था को कभी माना नहीं, गांधी परिवार से इन्हें सर्वोत्तम है, कोई सजा नहीं मिली। मोदी, हमारा चेहरा एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। चलिए, आप बताइए, प्रधानमंत्री बसपा से भी कोई बनेगा?
इस देश की शेर के नाम भी नहीं ले पाए। अरे बहन जी का नाम आयरन लेडी लोग कहते हैं। कोई नेता ऐसा पैदा ही नहीं है किसी दल में जो बहुजन समाज पार्टी को हराने का काम करे। और इस देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी। चलिए इस देश के प्रधानमंत्री बसपा का कहना है कि बहन जी बनेंगी। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक बुलडोजर नीति है, बुलडोजर चलवा देती है। आप बताइए अपराधियों पर बुलडोजर चल जाता है क्या गलत है? बुलडोजर चल जाता है सही है, लेकिन उनके साथ साथ उनको उनको जगह मिलती है, उसकी जो है उनको जगह सहन दी जाती है। उन माफियाओं को हटाया जाए जो भाजपा में शामिल हैं, लेकिन उन माफियाओं को हटाया जाए जो पार्टी में घुसे हुए हैं। अच्छा। उनको हटाया जाता है। कहती है कि सपा ही माफियाओं को सहन जाता है। सपा कह भाजपा कहती है ना, केवल वो कहती क्यों करती नहीं, केवल सपा कर रही है। अच्छा बताइए बुलडोजर नीति से आप कितना सहमत है? अपराधियों का घर गिरा दिया जाता है, इससे समाज सुरक्षित नहीं लग रहा है? सुरक्षित है, मगर समस्या ये है कि आज इतना दुर्भाग्य बात है, जितने लोग बैठे हैं यहाँ शिक्षा कोई बात नहीं हुई। शिक्षा जो बल्ला प्रदेश उत्तर प्रदेश में और स्टेट में सेंट्रल में तो शिक्षा व्यवस्था है ऐसे भ्रष्ट हो गई है। प्रेजेंट टाइम में जो प्राइमरी स्कूलें हैं चल रही है उसमें 2000 रुपया सर 2000 है, मतलब वहाँ सरकारी टीचर 2000 रुपया रखे हैं चलने के लिए, टीचर को पैसा कम मिलता। आप बताइए बुलडोजर नीति से कितना सहमत है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता संरक्षित गुंडों के ऊपर बुलडोजर कब चलाएगी? ब्रजेश सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? धनंजय सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? सोनू सिंह मोनू सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? रघुराज प्रताप सिंह के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? क्यों विशेष जांच को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है? राजेश बताइए ब्रजेश सिंह कितने लोगों का नाम आपने लिया, सुना होगा बुलडोजर नहीं चलेगा? दरअसल बात समाजवादी अपराधियों को संरक्षण देने में माइए सब जग जाहिर है। अपराधी गुंडे माफिया खुलेआम राइफल लेके यहाँ पे चलते थे और बहन बेटियों को चलना दुश्वार था, जमीनें लिखवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे। आप सुनिए असल बात, अपराधी मारे जा रहे हैं। जो जो बड़े बड़े अपराधी, दुर्दांत अपराधी आपने प्रयागराज में अभी देखा होगा कि अपराधियों को हमारी सरकार मार रही है। इनको बुलडोजर से डर इसलिए लग रहा है कि सारे अपराधी जब समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएंगे तो ये वोट किसके दम पे लेंगे? वोट किसके दम पे लेंगे? क्या समाजवादी पार्टी अपराधियों के दम पे वोट लेती है? समाजवादी पार्टी अपराधी नहीं बनाती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास खंगाल के अगर देख लोगे, समाजवादी पार्टी का अपराधी था अतीक अहमद, हमारे साथ मतलब समाजवादी पार्टी में नहीं समाजवादी पार्टी में नहीं था लेकिन 2017 समाजवादी पार्टी में नहीं था। कांग्रेस बताए ये जो बुलडोजर नीति इनकी है, बुलडोजर नीति संविधान को इसको नष्ट करना चाहती है, कानून को न मानने वाली नीति है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब तमाम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का घर गिराया जा रहा था, तब उनकी माँ बहन जो हाथ जोड़ कर दुहाई मांग रही थी कि आप हमारे घर को ना गिराइए, अगर हमारा पति दोषी है या हमारा लड़का दोषी है उसको फांसी की सजा दीजिए। अभी आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब एक आदिवासी के ऊपर, उनको जीवित व्यक्ति के ऊपर, जो मानसिक प्रताड़ित व्यक्ति ऊपर उनके ऊपर पेशाब किया जाता है, भाजपा और आरएसएस को घर गिरा दिया गया, उसके भी घर गिरा दिया, उसके भी मैं खिलाफ हूँ। उसका भी घर गिरा दिया गया, उससे भी मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि हमको भी पीड़ा है उनका परिवार को मैं वीडियो देखा। लेकिन बुलडोजर नीति नहीं होनी चाहिए, बुलडोजर नीति नहीं होनी चाहिए। अक्षय जी आप बताइए बुलडोजर नीति पक्षपातपूर्ण है क्या? जितने भी गुंडे हैं, माफिया है, उन सब के ऊपर जो बुलडोजर चलना चाहिए। सर अगर सपा ने बुलडोजर चलवाया होता तो माफिया नहीं होते? उस जमाने में जो है बुलडोजर था नहीं। हाँ बुलडोजर था ना? नहीं बुलडोजर था, ये बुलडोजर को हवा को भरा जा रहा है चलवाने के लिए। अब बुलडोजर ठीक नहीं है। अगर बुलडोजर चलवाना है तो कहा भाजपा में गुंडा माफिया नहीं है? जो भाजपा में आ जाते हैं कौन सा पाउडर है वो धोकर सही कर देते हैं? कौन से पाउडर से धोकर सही करते हैं भाजपा वाले? भाजपा में जो क्या कहते हैं जितने भी गुंडा है उनके ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो सही है। अभी आप इससे पहले आप सपा सरकार में आपने देखा होगा कि एक भैंस को ढूंढने के लिए पूरे प्रशासन में लगा दी जाती है। आजमगढ़ का ये बताइए बुलडोजर क्या भाजपा में गुंडे नहीं है? कौन से पाउडर से धुल देते हैं? अजीत पवार को धुला नहीं? असल बात इनको गुंडे, वही इनको गुंडे जो दिखते हैं अजीत पवार साहब। अरे भाई अतीक अहमद गुंडा है कि नहीं है? वो तो गए। मुख्तार अंसारी गुंडा है कि नहीं है?
इनको ये गुंडे नहीं दिखते। समाजवादी पार्टी गुंडों को पोषित करती है, समाजवादी पार्टी गुंडों को पोषित करती है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। उधर अभी महाराष्ट्र का सुनिए, मध्य प्रदेश का मामला इन्होंने उठाया, उसका उत्तर सुन लीजिए। उधर से आप मध्य प्रदेश सुनते ना आ रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, जेल जा चुके हैं, जेल से बरी होकर आए हैं अभी। सुनिए अभी अभी मध्य प्रदेश का इन्होंने मुद्दा उठाया, मध्य प्रदेश में एक समण जाति ने एक वहाँ पे दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस दलित व्यक्ति को अपने ऑफिस में बुलाकर उसका पैर धुला, चरणवंदन किया, और जिसने यह कृत्य किया था उसका बुलडोजर उसके घर पे भी चला है। चलिए आप देखिए, कहना है विपक्ष का कि भाजपा में जो कोशित गुंडे हैं उन पर कब होगी कार्रवाई? जो भी गुंडे होंगे, चाहे पार्टी का नहीं, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे पार्टी का गुंडा होगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। चलिए बताइए, धर्म गुंडे ही सरकार चला रहे हैं। धर्म की राजनीति जो है आज कितना हावी होती जा रही है। धर्म की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पर अड़ी है, उसके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का क्या नीति है? बहुजन समाज पार्टी दलित शोषित और पीड़ितों का मदद करने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का सबसे छोटा कार्यकाल 7 साल कार्यकाल रहा। 7 साल के कार्यकाल में आपको जो है स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, ये जो है जिले, तहसील, सब कुछ खुलवाया। ये बात कितना खुल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने इतना अच्छा काम किया होता ना, अगर पैसे देकर टिकट न बेचे तो ना नेता पैदा किया तो आज ये हस्त न होता। भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाई है। प्रमुख जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म का नाम ना ले तो राजनीति ना चले। देखिए हमारा नारा था हम मंदिर बनाएंगे, विपक्ष का हमेशा कहना था बनाएंगे, संविधान को बेच देंगे। अरे सुनो भाई, इनका हम हमेशा कहे हैं हम संविधान पे ही चलते हैं। देखिए अगर संविधान बेचने की बात होती तो राम मंदिर कब का बन गया होता? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब हम राम मंदिर मुद्दा में। इन लोगों का कहना था, हम कहते थे राम मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। विपक्ष कहना होता था रामलला हम आएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आज हमने डेट भी बनाया, राम मंदिर भी बनवा रहा हूँ। डेट वही कह रहा हूँ, धर्म क्यों राजनीति में लाते हैं? हमारा नहीं, सुनो नारा हम राम मंदिर बनवाएंगे, और ये कहा था। और आज विडंबना देखिए कि जब राम मंदिर बन रहा है तो चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, सारे लोग अयोध्या से अपनी शुरुआत करते हैं जाकर। चलिए अब सपा बताए कि अखिलेश जी भी मंदिर जाने लगे, क्या वजह रही? बिल्कुल मंदिर जाएंगे, चूंकि ये जो देश बना है, हिंदुस्तान बना है, यहाँ सारे जाति समीकरण का बना है, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। चलिए राहुल गांधी भी मंदिर जाने लगे, क्या सात धर्म अपना रहे? राहुल गांधी लगातार आप देखे कोई रैली किए होंगे या कहीं यात्रा किए हों, जितने भी रास्ता मंदिर बड़ी हो वहाँ जरूर माथा टेका है। हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी हर कार्यक्रम में मंदिर में गई है, माथा टेकी है। चलिए देखिए, हाँ बताएं। अब मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, ये देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, बाइबल से चलता है, न कुरान से चलता है। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं, ये चलता है तो भारत के संविधान का चलता है। मैं और कुछ कहना चाहूंगा, अभी जो अपराधियों की बात, गुंडों की बात हो रही थी, तो बीजेपी एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिसको जिसमें जाने से, जिसको मशीन में डालने से सारे अपराधी क्योंकि अभी जो भारत देश का नाम विश्व में रोशन किए हैं बेटिया, उनके ऊपर जो रेप का आरोप लगाई है वो पूर्ण रूप से वह सत्य भी है, लेकिन बीजेपी का सांसद होने के कारण उस नेते के विपक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने भी आदेश दिया, उसके विगत 27 दिनों के बाद FIR दर्ज हुआ। हो गया। चलिए बताइए, आप अभी जल्दी काम बात खत्म करो। अरे तो BSP के लोग जो बोल रहे थे दलित शोषण के पर बोल रहे थे कि वो बोले प्रियंका गांधी आके जो लाकर सहानुभूति, सुन लीजिए, सहानुभूति में आई। आप एक चीज बताइए, दिल्ली में एक 16 साल की वर्षी जो दलित छात्रा थी, एक मुस्लिम युवक ने उसको चाकुओं से बीच चौराहे पर गोद गोद के मार डाला, सुन लीजिए। और सुन लीजिए, अभी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय हुए, केजरीवाल ना हुए, ना तो कांग्रेस के लोग दिखे, ना BSP के लोग, ना सपा के लोग, सुने पहले। और यहां पे अभी जो MP की घटना बोल रहे हैं, इनको बता दीजिए कि कभी सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसकी चिंता किए, आवाज उठाने गए? उमेश पाल क्या इस समाज का आदमी रहेगा? बहुत बातें हो गई है,
आप कह रहे हैं कि यहाँ की सांसद फूलपुर की सांसद नहीं दिखाई देती। गदीना में गुप्ता जी के भाई के एक्सीडेंट हो गया था, सांसद जी आई थी, हमारे यहाँ लल्लू का एक्सीडेंट हो गया था। चलिए सांसद जी आते हैं, मेरा लास्ट सवाल है, जनता से भी होगा सर, जल्दी से जल्दी बात खत्म करिए सर, जल्दी। देखिए अब लाइट कम होती जा रही है, प्रोग्राम लंबा खींचता जा रहा है, लास्ट सवाल है, 2024 में क्या होगा, बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। सपा बताइए बदलाव होगा? 100%। चलिए आप तो कहेंगे नहीं होगा, आप बताइए क्या 2024 में बदलाव होगा या नहीं? पूरा पूरा बदलाव होगा। अरे भाई एक बात मैं कहूंगा जरूर जी, अभी अखिलेश जी ने कहा था, अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आपने राम मंदिर बनाया, मैं मथुरा को बनाऊंगा। मैं एक बार सबसे आह्वान करूंगा, अगर आपके अंदर जरा भी वो है तो जाके मथुरा में मंदिर देख के आए, आपका साथ। हमने हमारा मैनिफेस्टो था, हम अयोध्या मथुरा काशी, अरे इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है, आप मथुरा, अरे आप मथुरा में जाके देखिए, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। चलिए चलिए एमपी टास्क को मंदिर पे मस्जिद बनी है उसको हटवाओ। आप क्या कर रहे हैं? बस शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए देखिए एक सवाल मेरा जनता से है, एक सवाल जनता से है, लाइट कम हो गई है, कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आप एक सवाल मेरा जनता से है कि 2024 में बदलाव होगा या नहीं होगा? जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने देखा, आज हम लोग भागे थे, यहाँ पर आह्वान और जनता की अभी हमारे कार्यक्रम, आप सभी लोग भेजिए, आप लोगों को काम है, धन्यवाद।